नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तराना के नाचंद बोराई चौराहे पर अज्ञात ने गाय के पैर पर वार कर दिया, जिससे गाय का पैर 80% कट गया। जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई, पर डायल 100 पुलिस अनदेखी करती रही। वहीं आपको बता दें कि डायल 100 पर पुलिस की हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सर, किस तरह का मामला सामने आया? ये अभी 10 बजे करीब आज सूचना आई थी कि नाचन मोड़ पे एक गाय घायल अवस्था में वहाँ पर खड़ी है। हम लोग गए थे और जाके उसको इलाज के लिए अस्पताल पशु चिकित्सालय में ले गए हैं और उसको पट्टी वगैरह करवा दिए हैं और ठीक है। कोई उसमें सर किसे की आशंका लगाई जा रही है? ये संभवतः अब इसमें चोट तो लगी है गाय को और हम उसमें जांच करेंगे कहाँ कैसे लगी है चोट। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, उसका मेडिकल लेंगे और उस आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, चोट किस हथियार से की हुई है? संभव चोट ये फिलहाल तो हमें सर कोई डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस बारे में कि कैसे चोट आई और क्या हो सकता है हथियार, किस चीज़ से आई है, वो क्लियर करके हम उसमें आगे जाँच करेंगे। सर, किस तरह का मामला सामने आया? ये किसी कुल्हाड़ी या कन्या से मारे गए हैं, जो कि कम से कम 2 या 3 इंच गहरी घाव है। जब वही यादव उसका जो खून है वो भी फ्रैक्चर है और बहुत ज़्यादा गहरा घाव है, लेकिन उम्मीद है इलाज होगा, 1 हफ्ते तक तो सही हो जाएगा। सर, घाव किस चीज़ से होगा सर, ऐसा क्या अंदाजा लगा जा सकता है? किसी ठोस ऑब्जेक्ट से मारी गई है, या तो टंगिया होगी, कुल्हाड़ी होगी, जो भी है, और उसके चलते धारदार हथियार से कटा हुआ है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर के राय, प्रभारी पशु चिकित्सालय तराना। सर, गाय किस अवस्था में आपके पास पहुंची थी, कौन लोग लेके आए थे? कुछ गो सेवक लेके आए थे, वो भक्त और DCM में लोड करके छोटी गाड़ी में, और यहाँ पे इलाज करवाया। इलाज हो गया है, उम्मीद है कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाए।